नमस्कार, न्यूज कैचअप में आपका स्वागत है। आशा है आप लोग सुरक्षित होंगे। इस लॉकडाउन के बीच दिन भर की टॉप 10 खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सुदीप अग्रहरी। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 354 नए मामले आए सामने, 8 की हुई मौत, अब तक 96,264 सैंपल किए गए टेस्ट। कोरोना वायरस से तबीयत बिगड़ने के कारण आईसीयू में रखे गए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया कदम, विधायकों की सैलरी में होगी 30% की कटौती और अगले 2 साल तक नहीं मिलेगा विधायक निधि का पैसा। कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी ने कोरोना से वित्तीय संकट पर प्रधानमंत्री को दिए सुझाव, कहा विज्ञापनों में न खर्च करें पैसा, विदेशी यात्राओं पर लगाए रोक। 10,000 के पार पहुंचा अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा। तबलीगी जमात की मीडिया रिपोर्टिंग के खिलाफ जमीयत पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अमेरिका को दवाई देने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा दूसरों को देने से पहले भारतीयों को उपलब्ध कराएं पर्याप्त जीवन रक्षक दवाएं। ओडिशा सरकार ने 9 अप्रैल के बाद घर के बाहर निकलने पर मास्क लगाना किया अनिवार्य। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 2 माह में 1,44,000 करोड़ रुपए घटी, वैश्विक सूची में 17वें स्थान पर पहुंचे। देश में 43 महीने के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंची बेरोजगारी दर, विकास दर भी 2008 के बाद सबसे धीमी। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सुनते रहिए न्यूज कैचअप। अपने घरों के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।